यू डोंट नो जनाब का क्या मतलब है। माय गॉड वो तो भूल गई थानू पुत्र। गॉड दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। यू गाइस अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम माजिद है, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। एक तो हनीन का टैबलेट का केबल थोड़ी सी डैमेज थी, हनीन को उस केबल को यूज़ करने से रोक दिया कि उससे चार्ज नहीं करना, क्योंकि वो किसी भी वक्त उसको नुकसान पहुँच सकता था उस केबल की वजह से। तो डैमेज केबल कभी भी यूज़ नहीं करें, उसकी रीज़न ये है कि उसका नुकसान आपको बड़ा डेंजरस हो सकता है। स्पेशली बच्चे आपको बताते नहीं हैं, तो बच्चे अगर कोई चीज़ चार्ज करते हैं या उनके कोई टैबलेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो वो उनके इस्तेमाल में हैं, तो आप ख़ुद भी उसको थोड़ा सा मॉनिटर करें कि उनकी जो चार्जिंग कॉर्ड्स हैं, केबल्स हैं, वो डैमेज तो नहीं है। चार्जिंग पोर्ट जहाँ पे वो केबल लगती है वो तो नहीं डैमेज कहीं पे। बच्चे विल नेवर रिपोर्ट दिस। जैसा कि बताया आपको कि केबल जनाब डैमेज थी, केबल हमने उसको काट के फेंक दिया। केबल को काट के फेंकने का मकसद ये था कि कोई और बंदा जिसके हत्थे वो केबल लगती है तो उसको गलती से कहीं इस्तेमाल ना कर ले। नुकसान जनाब जैसे हम अपने के लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए ना। दूसरा हमने जनाब जो ईज़ीली पॉकेट मसल्लास हैं, जिसको पॉकेट जाय नमाज कहते हैं, वो पॉकेट में रखने के लिए वो भी परचेज़ करने हैं। वो शॉप वहीं पे है, नज़दीक ही है, इस्लामिक सेंटर वहाँ पे नज़दीक ही है, तो वहाँ से हम वो फोर कर लेंगे, ठीक है, चार मसल्ले परचेज़ कर लेंगे जनाब। तो एक मैं अपनी पॉकेट में रख लूँगा, एक एक इन तीनों के लिए, हनीन के लिए, मोइज़ के लिए, हसीब के लिए। उसका एडवांटेज ये है कि जनाब समटाइम्स आप जब मस्जिद में जाते हैं हमें अपने जाय नमाज लेके जाने पड़ते हैं। अगर किसी के पास जाय नमाज नहीं है तो मस्जिद में पेपर्स कुछ पड़े होते हैं, वो पेपर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पेपर को इस्तेमाल करने का नुकसान ये है कि एक तो जनाब दरख्तों से बनते हैं पेपर और दरख्तों का नुकसान है और पेपर वेस्ट होता है। प्लस उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप पेपर उठा के जाते हैं, अगर जमात खड़ी है तो आप पेपर उठा के जब आप जाते हैं मस्जिद में तो वो छपड़ 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 की जो आवाज़ है ना पेपर की, उसकी वजह से जनाब नमाज का में जो अपना जो कंसंट्रेशन होती है बंदे की वो लूज़ कर देता बंदा। तो इसीलिए जो पॉकेट मसल्ला है, पॉकेट जाय नमाज है, उसका एडवांटेज ये है कि एक तो वो कपड़े का बना होता है और ईज़िली आप उसको पॉकेट में रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खुदा ना खास्ता अपना जाय नमाज भूल गए हैं तो वो तो आपकी पॉकेट में है ना, तो आप उसको इजीली जब बिछाएंगे, निकाल के जब बिछाएंगे तो उसमें वो पेपर वाली आवाज़ जो है वो छपड़ छपड़ वाली वो नहीं आएगी, तो उससे दूसरों लोगों की नमाज डिस्टर्ब नहीं होती। बोले जनाब फ्ली मार्केट पहुंच गए हैं जनाब, हमारी फेवरेट मार्केट, और जाके देखते हैं जनाब। यू डोंट नो जनाब का क्या मतलब है। माय गॉड उर्द भूल गई थानू पुत्र। गॉड दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट गुड। You guys, चलो जनाब। हाँ पुत्र, जनाब इज इज रिस्पेक्टेड वर्ड, जैसे आप कहते हैं ना कि सर। जनाब पहुँच गए केबल लेने के लिए। जनाब पहुँच गए शॉप पे, इस पे इस्लामिक स्टोर वाली शॉप पे। जनाब ये मसले हैं, ये जो हम ले रहे हैं, एक ये था और एक इधर ये पड़े हैं, ये वाले, ये जनाब, ये थोड़े से बड़े हैं लेकिन इनके साथ वो पाउच नहीं है, ठीक है, तो पॉकेट में कैरी करना डिफ़िकल्ट होगा इनको। ले जनाब ले लिए मसल्ले चार डिफरेंट कलर के, ठीक है नहीं। ये जनाब ये मसाला, तो इसको इजीली हम पॉकेट में डाल सकते हैं ऐसे करके, अगर समटाइम जानवाज भूल जाते हैं तो ये काम आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़ा जानवाज जो है गाड़ी में रखना बंद कर दें, वो भी रखेंगे। इन केस समटाइम्स अगर हम भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, तो उनकी पॉकेट में हर वक्त होगा, इजी रहेगा उनको। तो चलिए चलते हैं घर, 4:40 पे अजान होनी है, तो अभी 4:37 हो गए हैं, तो तकरीबन हमें 10-15 मिनट लगते हैं घर जाते हुए, तो मोस्ट लाइकली हम उस वक्त तक अजान हो जाएगी और हम जाके फिर मगरिब पढ़ते हैं। और आपके लिए मसल्ले हैं, कौन सा कलर चाहिए? ब्लैक।
बिल इम्पोर्टेंट होता है, पुत्र संभाल के रखना होता है, अगर डैमेज निकला है चीज तो उसको वापस करने की आसानी होती है। ये बैग है, इसको भी नहीं फेंकना, ओके, कहीं यूटिलाइज हो सकता है, इसको रख लेते हैं। इसको नोट करना है, नहीं, ये फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए इसकी। इट शुड बी चार्जिंग फास्ट, ओके। ये लिखा हो जाए, ये देखें जनाब, ये वो छोटा है, उनके पास छोटे हैं, ये आपके पास ये सही है। And you know how much you got it? जी तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी इस तरह की अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, मुझे, मेरे घर वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।